कर तो जाएगा यार, पता चला चढ़ेगा ना। कोणार्क जाने वाले रास्ते में यहाँ देखो वो रास्ता है। होप सो मेरा बाइक चढ़ जाए। हिमालयन का टेस्ट आज कर ही लेते हैं ऑफ रोडिंग में। हिमालयन हिमालयन कबॉन कबॉन हिमालयन भाई, गिरू ना बस खाली। ओह माय गॉड, शिट शिट, ट्रैक्शन बिगड़ रहा है। तो पुरी में मैं आया हूँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। और आज देखो मैं कहाँ हूँ, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। तो पुरी में मैं आया हूँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। अभी दर्शन करूँगा, उसके बाद फिर से आपको बताऊँगा कैसा लगा, क्योंकि फ़ोन अंदर लेके जा नहीं सकते हैं, इसीलिए बाहर से ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी दर्शन करने सुबह के बजे हैं 4:40, मतलब सुबह मैं 4 बजे ही उठ गया था। तो ये देखो यार, मंदिर का एंट्री गेट पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से भी एंट्री करूँगा। फ़ोन वगैरह कहाँ रखना अभी तक आइडिया नहीं हो पाया है। यही होता है, अगर न्यू जगह पे आओगे ना तो पता नहीं चल पाता। तो पूजा कर लिया, प्रसाद भी मिल गया है, और पूजा करके अब जा रहा हूँ अपने होटल रूम। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके जगन्नाथ जी का। जय जगन्नाथ। तो आप भी अगर आप दर्शन करने कभी पूरी नहीं आए हो तो एक बार ज़रूर आओ दर्शन करने। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। भगवान के दर्शन के वक्त ऑब्वियसली बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो चलो अब होटल चलते हैं, होटल में जाके फिर से बाइक से निकलेंगे बाहर। हो भाई साहब, तो मंदिर से डायरेक्ट आ चुका हूँ मैं बाइक में। इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, होटल पूरी इन में। ये लाइट हाउस के पास है। अगर आप कभी पूरी आओ, अगर रुकना चाहो तो बढ़िया है प्रॉपर्टी। मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेना, आप होटल पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से कोणार्क टेम्पल, जो कि यहाँ से 41 किलोमीटर है। 1 घंटे का टाइमिंग है, गूगल में मैंने देखा था। और पूरा कैमरा सेटअप कर लिया हूँ, इंस्टा 360। और एक भाई भी मिलने आ रहा है, वो आ रहा है भुवनेश्वर से। एक्चुअली वो है पूरी से ही, बट वो भुवनेश्वर रहता है, तो वो आया है अभी। वो मेरे को इंस्टाग्राम से मिला है। चलो, इंस्टाग्राम भी बहुत ही अच्छा है कि लोग से मिलवाते रहता है। चलो, ओ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये क्या हो रहा है गाड़ी को? ये सोमनाथ भाई, अभी मैंने आपको बताया था सोमनाथ भाई के बारे में। ये पूरी से ही है, बट ये भुवनेश्वर में रहते हो क्या? भुवनेश्वर रहते हो। ओके, गाड़ी तो पूरा क्लीन करके रखे हो यार, एकदम पूरा चकाचक लग रहा है। और एक पुलना वो उसको मॉडिफाई किया। अच्छा, सही लग रहा है, सही लग रहा है। तुम मेरे को इंस्टाग्राम से ही देखे थे ना? मतलब मैं सही बताया वीडियो में, इंस्टाग्राम से ही। जब जीटी चला रहे थे मैं तब से देख रहा हूँ। अच्छा, चलो। तो अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? अभी हम जाएंगे कोणार्क। कोणार्क ना, तो चलो चलते हैं फिर। समुद्र तो उधर ही मिल जाएगा। इधर भी जा सकते थे पहले, पर अभी वो बंद कर दिए हैं, ये जो सब बैन कर। अच्छा, लगा दिया है। यहाँ से भी जा सकते हैं, तो उधर ही चलते हैं क्या? चलो। हाँ जी, अभी यहाँ पे हूँ गोल्डन बीच में। ये देख सकते हो यहाँ के नज़ारे, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धूप है, बट गर्मी थोड़ा सा आज कम है। 35 डिग्री है शायद, या 45 डिग्री है यार, कन्फर्म 35 डिग्री है जिस पे देख रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोणार्क। सोमनाथ भाई भी आ गया है, तो चलो कोणार्क टेम्पल जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे रोड साइड में बीच, बहुत ही शानदार लोकेशन है, वो चीज़ ज़रूर आप चेकआउट करना। दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को ज़रूर क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। ये और ये देखो, यहाँ पे जगन्नाथ क्रिकेट स्टेडियम भी है यार। बढ़िया लग रहा है, एकदम अच्छे से सजाया हुआ है, क्लीन है एकदम स्टेडियम। तो चलो, पूरी में बहुत ही कुछ है, डेवलप्ड भी हो चुका है काफ़ी पूरी। और थोड़ा सा भगा भी लेते हैं गाड़ी को अब, क्योंकि अभी 36 किलोमीटर है कोणार्क टेम्पल, और टाइमिंग जो है 48 मिनट दिखा रहा है। और भाई यहाँ भी बहुत ही खतरनाक राइडर हैं, तो थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। अभी एक सोमनाथ भाई के आगे कोई आ गया था आदमी। और ये लोग मिल चुका है हाईवे। कोणार्क यहाँ से 32 किलोमीटर है, भुवनेश्वर 94 किलोमीटर। तो लग रहा है ये रास्ता भुवनेश्वर भी ले जाता है मेरे को। उतर तो जाएगा यार, पता चला चढ़ेगा ना? चढ़ तो जाएगा। फिर वहाँ से स्टेप है ना, उधर से ही चलते हैं। हाँ, चल जाएगा यार। ओह ओह Oh shit! Oh. आराम से आना, आराम से। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वहाँ नदी रिवर के पास थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने के लिए। हिमालयन लाए और ऑफ रोडिंग ना करे तो फिर क्या मज़ा, क्या ब्रो। चलो। ओह भाई साहब, ये तो अलग मज़ा है, यही तो चाहिए अपने को। ओ कंकाल पड़ा हुआ है यार यहाँ तो। इधर तो इजीली उतर गया। यहाँ पे एक दो फोटो लेंगे मस्त, बहुत अच्छा लोकेशन है। वो ये देखो भाई, नीचे पानी पानी है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन है, अगर आप भी आओ तो इधर पे जरूर आना। कोणार्क जाने वाले रास्ते में यहाँ पे देखो वो रास्ता है, और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और इधर जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया है लोकेशन। तो मैं सोमनाथ भाई के साथ आया हूँ। सोमनाथ इधर आ जाओ। तो कुछ बताओ अपने बारे में यार। मैं बीपीएम पढ़ रहा हूँ, एक्सिम में अभी। ओके। अभी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर होने वाला है। ओके। और रहता तो मैं भुवनेश्वर में हूँ, लेकिन मैं पुरी से, अपना मतलब नेटिव प्लेस है वो मेरा पुरी है। हाँ, वहीं जरना पापा का गाँव कोणार्क से। तो भाई कोणार्क से है, तभी हम लोग कोणार्क जाने वाले हैं। कोणार्क में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और बीच में भी बाइक उतारने की कोशिश करेंगे। अगर उतर गया तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। शॉर्ट्स अच्छे अच्छे, फंसना नहीं चाहिए, बस फंसेगा तो निकाल लेंगे यार। कितना है पीछे वाला? तो यार प्रेशर होगा यार 35x। थोड़ा कमा देते हैं दोनों का, देख लेंगे पहले टेस्ट करके। तो चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। धूप है लेकिन हवा इतना अच्छा चल रहा है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हाँ, धूप का पता नहीं चल रहा। चलो अब यहाँ से चलते हैं कोणार्क की ओर। चक्का तो रोल करेगा। ओह ओ भाई, धूली धूल हो रहा है। होप सो मेरा बाइक चढ़ जाए। हिमालयन का टेस्ट आज कर ही लेते हैं ऑफ रोडिंग में। ओह हिमालयन इजीली चढ़ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, इसलिए तो कहा जाता है ऑफरोडिंग किंग। अभी पता चल जाएगा इस किंग का। ओ भाई वहाँ पे और ज़्यादा वो है। ओ हो। चलो चलो चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अरे हिमालयन में तो पता ही नहीं चल रहा यार। ये फंस गया क्या? फंस गया? इधर से करके देखो। चलो चलो, इस ट्रेल में लाओ, इस ट्रेल में। चलो चलो चलो। यहाँ से इजली हो गया। उप्स, चलो चलते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ स्माइल करो। हाँ ओके बाय। चलो तो भाई साहब खाना खाने के लिए रुका हुआ था यहाँ पे, खाना खा लिया मस्त, पेट भर गया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कोणार्क की ओर। और ये लो जी, फाइनली समुंदर दिख गया। ये देखो, और इस जगह क्या तो शानदार व्यू है यार, बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखो, ओए होए होए, मज़ा आ रहा है देख के। और एकदम फ्रेश फीलिंग है। बस धूप है बस, वरना तो भाई मौसम एक नंबर है। देखते हैं, बाइक तो नहीं उतर पाएगा लग रहा है, जैसा रेत दिख रहा है ना उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है बाइक उतर पाएगा इसमें। बाकी चेकआउट करो, कितना खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। वाह फंस जाएगा देख के ही लग रहा है। तो गाइस बीच पे देखते हैं उतार के उतर पाता है या नहीं। ओ भाई 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 हिमालयन हिमालयन कमॉन कमॉन हिमालयन, ये हिमालयन सक्सेस हो गया। ओह शिट 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 शिट, हो हो पानी वाला जगह में चला जाएगा ना तो नहीं फंसेगा। ये वो यस यही चाहिए था यार, कितना दिन से सोच के रखा था, पता है कि ये चीज़ मेरे को करना है। ओह ओह शिट गीला हो गया पैंट। ओह शिट अंदर चला गया। ओ यस कितना मज़ा आ रहा है। ओ भाई हो मज़ा आ गया यार, कितना दिन से, पता है तुम बिलीव नहीं करो, इतना दिन से सोच के रखा था ये वाला चीज़ करना है बस। तो भाई देख रहे हो बीच में चलाने का क्या मज़ा है बाइक। ओ वाओ ओह माय गॉड ओह शिट। ओ भाई साहब समुंदर में चलाने का एक अलग फीलिंग है। ये भाई गिरू ना बस खाली। ओ माय गॉड शिट शिट ट्रैक्शन बिगड़ रहा है। ओह हो अरे यार ऐसे टाइम पे कॉल आता है ना दिमाग ख़राब हो जाता है। ये फीलिंग और कहाँ मिलेगा यार, ये फीलिंग और कहाँ मिलेगा। समुद्र के किनारे में बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है, और ये चीज़ मैं पूरी में फुलफ़िल कर रहा हूँ। वो ओह यहाँ पे तो मछली का जाला बिछाया हुआ है ये लोग। देखो जो ये वाला जहाँ तक पानी आता है ना वो वाले रेत में बाइक फंसेगा नहीं, ऐसे वाले में फंस जाता है। भाई साहब बीच में चलाना इतना इजी नहीं है यार, फंस जा रहा है बाइक। जूता तो पूरा गीला हो गया। क्योंकि बहुत देर से बीच में चला रहे हैं, कोई देख लिया तो फाइन वाइन भी कट सकता है हम लोगों का, इसीलिए रिस्क नहीं लेने का और यहाँ से निकल जाने का। मज़ा आ गया। अब निकालना एक बड़ा टास्क है। ओप्स तो भाई बीच से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल की ओर, और बाइक को वॉश करवाना पड़ेगा वरना जंग लग जाएगा क्योंकि सॉल्ट वाटर है इसलिए। तो चलो जल्दी से निकलते हैं। चलो क्या जाओगे अंदर तो रहने दो, चलो बाइक बाहर से देख लेंगे और चले जाएंगे। मैं सोच के रखा था वहाँ से आने से पहले कि ये वाला लोकेशन में वीडियो अच्छे से बनाऊंगा यार, और अच्छे से वीडियो बन गया। बीच में मस्त बाइक चलाऊँ, फर्स्ट टाइम था, ये मेरा ड्रीम था बहुत दिनों से ऐसे बीच में बाइक चलाने का, और फाइनली वो सौभाग्य मिल गया मेरे को। ये देखो गाइज, अभी बीच में चलाने के बाद बाइक जो धुलवाना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो जंग लग जाता, क्योंकि सॉल्ट वाटर में बाइक जंग लगता। मेरे में वैसा जंग लगने का जैसा कुछ वैसा है नहीं, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क ले, और उसका भी बुलेट धुला गया भाई का। तो चलो गाड़ी अब धुलता है, फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। वो देखो वो रहा कोणार्क टेम्पल। क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा, बीच में ही बहुत देर तक गाड़ी चलाते रह गए और शाम हो गया है, और सच बताओ तो मन भी नहीं कर रहा है अब जाने का, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि पहले भी जा चुका हूँ मैं 2-3 बार। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग पूरी गोल्डन बीच, वहाँ जाके डायरेक्ट थोड़ा रेस्ट करेंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आगे चलो अभी रास्ते का सफ़र पूरा करते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। तो जी पहुँच गया हूँ अपना डेस्टिनेशन गोल्डन बीच। गोल्डन बीच में जैसे कि मैंने बताया आपको होटल लिया हुआ हूँ। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। सुबह में गया, मंदिर दर्शन किया, जगन्नाथ जी जय जगन्नाथ, और फिर आके सो गया रूम पर, क्योंकि नींद बहुत ही तेज़ आ रहा था, सुबह सुबह जल्दी उठा था। फिर से गया यहाँ से कोणार्क साइड में गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग किया जैसे कि आपने देखा होगा, और उसके बाद फिर बीच में जो बाइक चलाया है भाई, वो तो सबसे मज़ा आया। और उसके बाद कोणार्क टेम्पल नहीं जा पाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, इसके वजह से। तो ऐसा रहा आज का दिन, और वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेड बटन होगा, ओ सॉरी रेड तो हट गया यार, ब्लैक होगा अब। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत, साइनिंग ऑफ पूरी उड़ीसा। बताना भूल गया था, मैं जिस होटल में रुका आपको बोला था बताऊंगा, होटल पूरी इन। ये है आपका लाइट हाउस के पास है ना, और ये भाई काम करता है। हाय बोल दो आप लोग। हाँ तो आप लोग यहीं पे हो? ओके। सर्विस वगैरह तो बढ़िया लगा है, रूम भी बढ़िया है, प्राइस वगैरह इससे भी हाई रहता है, जब सीजन के हिसाब से हाई रहता है ना, आगे तो रहता है ना। अगर किसी को भी यहाँ रुकना होगा तो मैं तुम्हारा नंबर डाल दूँगा, तुमको कोई भी कॉल करेगा मेरा नाम लेगा, अच्छे से रूम दे देना ठीक है ना। ओके ठीक है।